मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य सुमेर शास्त्री, मेरा YouTube चैनल आचार्य सुमेर शास्त्री में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो कुंभ राशि, क्योंकि 29 अप्रैल फ्राइडे 2022 को शनि ग्रह मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इसमें मकर राशि का शनि के साढ़े साथी पनौती का अंतिम चरण होगा, कुंभ राशि का दूसरा चरण होगा और मीन राशि का प्रथम चरण होगा। तो इम्पोर्टेंट मीन राशि है, क्योंकि शनि की साढ़े साथी पनौती मीन राशि को पहले चरण में गुजरना पड़ रहा है और पहला चरण उसके शिर मस्तिष्क से शुरू होगा। तो इसमें न्याय के देवता शनि महाराज शनिदेव बहुत ही खोटे खोटे विचार उत्पन्न करेंगे और मानसिक तनाव उत्पन्न करेंगे और बेचैनी का माहौल उत्पन्न करेगा। ऐसे में मीन राशि के जातक को धैर्य से सोच विचार के धीरे से काम करना चाहिए और इसमें मीन राशि के जातक को शनि की साढ़े साथी की पनौती सोने के पाये से आ रही है और सोने का पाया अशुभ माना जाता है। तो मित्रों मीन राशि के जाते को ये आपका टाइम पीरियड 29 अप्रैल 2022 से पहला चरण चालू हो रहा शनि की साढ़े साथी की पनौती, तो इसमें बहुत ही धैर्यपूर्ण शांति से धीरे से आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि पहला चरण है और वो भी सोने के पाये से आ रही और सोने का पाया अशुभ माना जाता है। अब मित्रों आपको बताना चाहता हूं कि आपकी राशि, क्योंकि जब शनि 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो 12 राशि प्रवाहित होगी, तो इसमें किस राशि को शुभ परिणाम मिलेगा, किस राशि को अशुभ परिणाम मिलेगा और कौन सी राशि कौन से पाये में आएगी, तो ये आपको घर बैठे अपनी कुंडली आप देख सकते हो। मैं ये बताना चाहता हूँ इसमें चार पाये होते हैं, सोना का, चांदी का, तांबा का और लोहे का, और इसमें सोने का और लोहे का पाया अशुभ माना जाता है और चांदी का तांबे का पाया शुभ माना जाता है। तो आप अपने कुंडली में देख सकते हो जब शनि ग्रह किसी राशि में भ्रमण करता प्रवेश करता है तो उसमें चंद्रमा की स्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और चंद्रमा की स्थिति को हमको देखना पड़ता है। अगर शनि कुंभ राशि में प्रवेश हो रहा है तो आप अपने कुंडली में यह मालूम कर लेना चाहिए कि चंद्रमा की स्थिति फर्स्ट 6 नंबर और 11 नंबर भाव में है तो वो सोने का पाया कहलाता है, यानी चंद्रमा आपके कुंडली में पहला 6, 11 भाव में है तो सोने के पाये में आपकी पनौती चलेगी। अगर चंद्रमा की स्थिति 2, 5, 9 भाव में है तो चांदी की पाया कहलाएगा, चांदी का पाया में ये पनौती आएगी। और उसके बाद में चंद्रमा 3, 7, 10 भाव में है तो वो तांबा का पाया कहलाता है। और उसके बाद में अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में 4, 8, 12 भाव में है तो आपको लोहे का पाया माना जाता है, लोहे के पाये में पनौती प्रवेश करेगी। यह आपको चारों पाये के बारे में बताया हूँ और हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि। मीन राशि को साढ़े साथी की पनौती सोने के पाये में आ रही है, अशुभ है। और मित्रों और कुंभ राशि के जातकों से मेरा यही निवेदन है, कोई भी कार्य शांति से धैर्य से कीजिए, आपको इसका शुभ परिणाम मिल सकता है। उतावल पाउन और घबराहट से कोई भी कार्य नहीं करना है। इसमें शनि महाराज मीन राशि के जातक पर क्या प्रभाव डालेगा वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दाम्पत्य जीवन में प्रभाव पड़ेगा, पति पत्नी में मन मुटाव रहेगा, अनबढ़ाव चलेगा और एक दूसरे पर अविश्वास रखेंगे और पारिवारिक संबंध भाई बहनों में मन मुटाव रहेगा, पारिवारिक संबंध बिगाड़ देंगे। और उसके बाद में
व्यापार धंधा बिजनेस में खोट नुकसान आ सकता है। नया व्यापार आपको बिजनेस चालू नहीं करना है और जो भी आपके व्यापार बिजनेस जो चल रहा है उसमें लगन से रुचि से आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके सोने के पाए से पनौती शुरू हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपके व्यापार धंधा में बहुत बड़ा लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए, तो आपको धीरे से शांति से जो व्यापार चल रहा है उसमें आपको धीरे से काम लेना पड़ेगा। उसके बाद में शनि की पनौती जो 7:30 चल रही है, शनि महाराज आपको बीमारी अंग पीड़ा करवाएगा। उसके बाद में आपकी स्टॉक पूंजी है, धन दौलत है, उसका भी विनाश करवा सकता है। कोई भी नया मकान, फ्लैट, कार और नया कार इस पनौती में नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके स्टॉक पूंजी जो आपने बचा के रखे बचत वो आपकी खलास हो जाएगी। मित्रों, इसमें सावधानी पूर्वक सचेत होकर हमको काम करना चाहिए। उसके बाद में हमको क्या नहीं करना चाहिए, इस पनौती में क्या कार्य नहीं करना चाहिए, हमको कोई भी इन्वेस्टमेंट में रुपये पैसे नहीं डालना चाहिए, इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए और जोखिम वाले कार्य से बचना चाहिए। और उसके बाद में वाहन, कार, बाइक धीरे चलाना चाहिए, क्योंकि इस पनौती में दुर्घटना, चोट का आपका प्रभाव बन सकता है या इसमें लॉस हो सकता है। और आपको एक बे बता दूं, ये पनौती में विद्यार्थी को बहुत ही लाभ होगा। जो विद्यार्थी कंपटीशन प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं उसको 100% सफलता मिलेगी, उसका सिलेक्शन होगा। मित्रों, मीन राशि के जातक को ये बताने जा रहे कि कठिन से कठिन समस्या आ जाती है तो भी धीरे से शांति से उसका सामना करना चाहिए। और जो पनौती चल रही है तो उसका उपाय कैसे करें, शनि महाराज की दृष्टि हमारे ऊपर खराब पड़ते हुए भी हम उस दृष्टि से कैसे बचें, वो उपाय बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जरूरतमंद गरीब लोगों को सरसों का तेल अर्पण करना चाहिए, अपने नाभि पे सरसों का तेल लगाना चाहिए और पीपल के पेड़ के पास मंगलवार शनिवार को सरसों का तेल का दीपक करना चाहिए और गरीब व्यक्ति को काला कंबल और अनाज का दान पुण्य करना चाहिए। मित्रों, शनि मंदिर में ओम हिम शनै नमस्तु व्यायाम का 108 जाप करना चाहिए और शनि मंदिर में काले वस्त्र, काले तिल, काले उड़द, काले फल का दान करना चाहिए। इसमें आपके शनि की जो खराब दृष्टि पड़ रही है उससे आपका बचाव हो जाएगा, आपका कार्य सफल होगा और इसमें आपको ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ सावधान होने की जरूरत है, आपको अलर्ट होने की जरूरत है, आपका कार्य बनता जाएगा, आपका कार्य नहीं रुकेगा। अगर आप घबरा गए, चिंता में पड़ गए, जो कार्य सफल होने वाला है वो भी बिगड़ जाएगा। तो मित्रों, आज का जो मैंने वीडियो बनाए हैं स्पेशल मीन राशि के जातक के लिए बनाए हैं, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे और भी पनौती के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और भी आगे आपको ज्योतिष के संबंधी अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंच सके।